अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जो आज का व्लॉग है भाई, वो है गंदम उगाने का। तो सुबह सुबह का वक्त है और गंदम उगाने की तैयारी हो रही है। गंदम कैसे उगाई जाती है, किस तरह उगाई जाती है और कितने दिन पहले पानी लगाना पड़ता है ज़मीन में, और फिर कितने दिन के बाद जो है दूसरा पानी लगता है, और पानी लगने के बाद कितने दिन के बाद गंदम डाली जाती है, और उसके बाद कितने दिन के बाद मज़ीद पानी लगाना पड़ता है दोबारा से, और टोटल कितने पानी लगते हैं। चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग डाल रहे हैं बीज। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरे चैनल पर जो नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलो जी, आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो जी, ये भाई शाहिद हैं, हमारे पड़ोसी हैं, क्योंकि मुझे तो बीज वगैरह डालने का पता नहीं है, तो इनसे मैंने कहा भाई बीज डाल दो। तो इसमें ये हाफ़ इक्कड़ है, यानी कि आधा इक्कड़ है, ये एक बीघा इसे हम यहाँ कहते हैं, यानी कि एक इक्कड़ का आधा हिस्सा ही है। तो इसमें हमने 30 किलो गंदम डाली है। ये भाई शायद जो है वो गंदम डाल रहे हैं, और इसमें जो है 30 किलो गंदम डाली है। इसमें मैंने आज से कोई 13-14 दिन पहले पानी लगाया था, और पानी सही तसल्ली से लगाया था, फुल भर दिया था इसको। तो इसमें बत्तर आते आते 14-15 दिन लग गए, और अभी भी सही तरीके से बत्तर आया नहीं है। ये बत्तर किसे कहते हैं? बत्तर ये है, ऐसे ये है ना, अभी भी ये अंदर से गीली है ज़रा ज़रा सी, ऐसे मिट्टी गीली होती है ना ज़रा ज़रा सी, उसको बत्तर आना कहते हैं। ये देखो अभी मिट्टी अंदर से अभी भी गीली है, और ये गंदम के दाने पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से गंदम उगाई जाती है। 10-12 दिन पहले मैंने पानी नहीं लगाया था, और अभी जो है ये भाई शायद बीज डाल रहे हैं। तो अब जो है इसमें मैं हल चलवाऊँगा, ट्रैक्टर वाला आ रहा है, उसको मैंने कॉल कर दी है। ये देखिए ट्रैक्टर आ चुका है, मैं ज़रा घर पे चला गया था, तो वाप पीछे से आगे इसने काम स्टार्ट कर चुका है, काम स्टार्ट कर दिया था। तो खैर चलो, अब ये देखेंगे ऐसे हल चलना होता है। ये पहले हमने बीज डाला था, बीज डालने के बाद जो है ये हल चल रहा है। पहले ये खाली हल चलेगा जिसमें लोहे लगे हुए थे, एंगल लगे हुए ना बड़े बड़े पीछे, उसके बाद जो है पीछे जो लकड़ा आपको नज़र आ रहा है इसके, ये वाला जो पीछे लकड़ नज़र आ रहा है ना, ये लकड़ इसको गिरा देंगे नीचे, और फिर जो है ये लकड़ गिरा के हल चलेगा। ये लो जी, ये परिंदे भी आ चुके हैं अपने हिस्से का दाना चुगने के लिए। तो वैसे एक इक्कड़ में डाला जाता है अमूमन एक मन या 45 किलो। तो मैंने जो है एक हाफ़ इक्कड़ में, आधे इक्कड़ में डाला है 30 किलो। वैसे आजकल हर कोई हाफ इक्कड़ में 30 किलो ही डाल रहा है, तो उससे क्या है कि जो थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है, जैसे परिंदे आ गए, इन्होंने दाना चुगना है, तो ये यानी कि दाना उठाने के बाद भी किल्ले में या हाफ इक्कड़ में इतना दाना पकाया रह जाता है, जो कि यानी कि कमी नहीं आती इसके अंदर, इसलिए लोग फालतू डालते हैं। और भी वजह है फालतू डालने की, एक वजह नहीं है खाली, ये परिंदों की वजह नहीं है। पहले 40 किलो डालता था, फिर 50 किलो करा, अब लोगों ने 60 किलो डालना शुरू कर दिया, फिर इक्कड़ के हिसाब से। अच्छा जी, बाद में जो है ये लकड़ डाला जाता है, पहले सी के बाद दूसरी जो सी लगती है वो लकड़ डाल के लगती है। और इसके ऊपर अभी मैंने पीछे बैठना है, पीछे मैं बैठूंगा ताकि ये मिट्टी के ये पत्थर बने हुए, ये जो पत्थर हैं जैसे डले बने हुए, ये टूट जाए। ये लो ये पीछे मैं बैठ चुका हूँ।
जाओ, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई ट्रैक्टर पे झूले ले चुका हूँ, सांस भी फूल चुका है क्योंकि इसके ऊपर बैठना और बैठ कर संभल के बैठना, क्योंकि बंदा गिर जाए तो फिर गया काम से। तो ये लो, अब इस तरह की फर्स्ट क्लास वीडियो देखने के लिए आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।